Hello friends, I am Dr. N.C. Ojha, Faculty of Mathematics from MKD Education. हमें आप और बोलो integration विषय रे बहुत बड़े कास discussion थी, हमें शायद विभिन्न प्रकार method discussion कर सकते, किंतु आज ही हमें बहुत बड़े method discussion करें यार, जो method टेकी बहुत important, और इसके दृष्टि से एवं integration करिया पाएंगे जो technique विभिन्न टेक्निक भीतर एटा ओटे भरी इंपोर्टेंट टेक्निक कारण तो क्वेश्चन टा बहुत बड़ा ही जीवो बड़ा बड़ा फैक्टर थी वो ता केमिति सहज रे शॉर्टकट रे करि परिवा सेटा होसी ई गोटे मेथड सेटा कह जाय इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आ ए मेथड टा तमे निजे सिखिया दरकार सिखिले बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को सहज रे करि परे तबे आसो हमे आज सिखिवा ए पार्शियल फ्रैक्शन टा कोन एवं सेटा केमिति यूज करिके हमे प्रॉब्लम करिया हेलो फ्रेंड्स को हमे आ पूर्व जो डिस्कशन करथिले विभिन्न प्रकार इंटीग्रेशन मेथड आज मेथड हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन सो पार्शियल फ्रैक्शन कह फ्रैक्शन जितने कहते फ्रैक्शन माने एनीथिंग ए बाय बी एटा रा फ्रैक्शन किंतु पार्शियल फ्रैक्शन माने विल बी गिवन ए फ्रैक्शन देन दैट फ्रैक्शन विल बी रिटन एज सम फ्रैक्शन प्लस सम फ्रैक्शन लाइक दिस माने हम को गोटे फ्रैक्शन दे हाय थिबो आ से फ्रैक्शन टा को हमें केते गोटे फ्रैक्शन रो सम भाबे तक एक्सप्लेन करियाटा होसी पार्शियल तबे कथा होची सब फ्रैक्शन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन करि परबा रेसेरा सबटु बड़ कथा ए चैप्टर रे जे प्रॉब्लम स्टार्ट करिवा हमें देखियो जे जहां को हमें पार्शियल फ्रैक्शन करिया को जाउ चंती सेला प्रथमे पार्शियल फ्रैक्शन हेई परिवो कि नहीं तलो प्रथम जीवा सपोज लेट fx ए फंक्शन टा को हम इंटीग्रेशन करिया पड़िवो ए फंक्शन टा सपोज ए भली अछि px / qx एटा ओटा रेशनल फंक्शन रे अछि समथिंग बाय समथिंग एटा ओटा फ्रैक्शनल फॉर्म ए फ्रैक्शनल फॉर्म को आमे वर्तमान पार्शियल फ्रैक्शन करि परबे कि केते बेले करिया जदि पार्शियल फ्रैक्शन इज पॉसिबल पार्शियल फ्रैक्शन इज पॉसिबल व्हेन डिग्री ऑफ पीएक्स less than degree of qx ane numerator ra degree jodi denominator degree apekha sano thibo ame kebal setik bele partial fraction karibe jodi ubhar ra degree saman he gala kimba numerator degree denominator degree pe beshi he gala tahale sete bele ame partial fraction karibaiba na ta di ta kotha jodi less rahila ta partial fraction kariba jodi eta less na rahila jodi eta greater than equal to qx rahila ताले कौन करेगा? So this is case one, case two. If degree of px greater than equal to degree of qx, then first we simplify, then apply. पार्शियल फ्रैक्शन तो ए सिंपलीफाइड कोन हम जीवा नेक्स्ट जीवा वर्तमान में सिखिबा जे ए कंडीशन यदि थिबो px less than qx थिबो डिग्री ऑफ px less than डिग्री ऑफ qx थिबो ताले सेटा केमिति पार्शियल फ्रैक्शन करिया देखो हम जेता हम पार्शियल फ्रैक्शन गय जिबा हमें एक्चुअली चार प्रकार क्वेश्चन पाइबा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 ए चार प्रकार क्वेश्चन थिबो से चार प्रकार क्वेश्चन को हम भिन्न भिन्न प्रकार रा टेक्निक यूज करके पार्शियल फ्रैक्शन करय देखो टाइप 1 टा होची तुम्हारो fx is equal to px by qx where qx
contains linear non-repeating factors. Type 2 fx px by qx where qx contains linear repeating factors. Type 3 fx is equal to px by qx where qx contains non-linear factors. Type 4 fx is equal to px by qx where qx contains non-linear repeated factors. ए चारिटा होजी चारि प्रकार रो क्वेश्चन आ मतलब प्रॉब्लम करिवा विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम करिवा मेल ए चारि प्रकार रो क्वेश्चन आसीबो किंतु मूल कथा मन रखतिबो ए चारि प्रकार क्वेश्चन ना आसीबो किंतु ए सब तक केस केते बेले px रो डिग्री तेते बेले qx रो डिग्री पे कम थिबो यदि px रो डिग्री qx रो डिग्री पे बेसी हेगा ताले हमको सिंपलीफाई करया पडगो जेला केमिन सिंपलीफाई करया करया पडियो मुसला ठीक है नेक्स्ट क्लास रे कोई नेक्स्ट वीडियो रे हम डिस्कशन करया वर्तमान में सिखिबा जे ए चारि प्रकार प्रॉब्लम केमिति हमें सॉल्व करया वर्तमान जे गोटे केस को टाइप 1 त हम टाइप 1 केस होत fx इक्वल टू px / qx वेयर qx कंटेंस लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स इंटीग्रेशन px by x minus 4 into x plus 2 dx देखो प्रथम कथा होची एटि px ला के 3x qx ला x minus 4 into x plus 2 आमे एटा को प्रथम जदि पार्शियल फ्रैक्शन ने करिया को चाहु छंती आमे देखिवा जे पार्शियल फ्रैक्शन एटि अप्लाई करै परबे कि काहे करि परै ना कि नै एठी न्यूमरेटर डिग्री 1 डिनोमिनेटर डिग्री x minus 4 into x plus 2 जदि हम एटा मल्टीप्लाई कर दबा त हाईएस्ट डिग्री हो x into x x स्क्वायर माने एठी हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर 2 आउ न्यूमरेटर होसी डिग्री 1 सो एठी हम लिखले डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सो पार्शियल फ्रैक्शन इज पॉसिबल ठीक है जी जदि पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल हैला तापर हम पुन देखिया कोन ना हमें जो चारटा टाइप कहिथिले एटा को टाइप रे जाउछि फर्स्ट टाइप काहे कि फर्स्ट टाइप कोची लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर लीनियर कोन देखो ये वाला फैक्टर लीनियर काहे कि ना ए फैक्टर रो हाईएस्ट पावर होची 1 एक्स रो पावर 1 सो ए फैक्टर टा लीनियर ए फैक्टर मते एथि मध्ये एक्स रो हाईएस्ट पावर 1 सो ए फैक्टर टा लीनियर ए फैक्टर डाल दे तो जते गुडे फैक्टर हम पखरे अछि एटी जुडी फैक्टर अछि सब तो फैक्टर हो जे लीनियर फैक्टर आउ कोन नॉन रिपीटिंग लीनियर हे थिमो ए वर्ड ता सैटिस्फाई करे ला इट बी लीनियर आउ कोन हे थिमो ना नॉन रिपीटिंग ए फैक्टर रो होल पावर किछि नाही होल पावर अछि 1 त नो ए फैक्टर ता रिपीट होई नाही एटा मध्ये फैक्टर अछि हाईएस्ट पावर होल फैक्टर पावर अछि 1 तनो ए फैक्टर टी मध्यम रिपीट हे नै तेनो ए क्वेश्चन टी ए टाइप 1 अंडर असला काहे कि ना डिनोमिनेटर रो डिग्री न्यूमरेटर डिग्री बाय कम एवं लीनियर एवं नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स तो क्वेश्चन टी बतान हमें सिलेक्ट करले जे एटा होची टाइप 1 रो प्रॉब्लम तो टाइप 1 रो प्रॉब्लम टा को सिलेक्ट कर सरला परे बतान कथा होची जे एटा को केमिति हमें पार्शियल फ्रैक्शन करिवा कोइ छी पार्शियल फ्रैक्शन माने कोन ना गोटा फ्रैक्शन थिबो ताकू तुमे समथिंग प्लस समथिंग रे लिखिबो अब हम केतरा आड करियो तुम्हें देखियो ए क्वेश्चन रे
एठी जतरा डिनोमिनेटर फैक्टर अछि एठी केतरा फैक्टर अछि x - 4 गोटे x + 2 गोटे त जोडिए फैक्टर त ए टोटल फ्रैक्शन जो अछि px / qx सेटा को हमें समथिंग प्लस समथिंग माने दीटा पीस दे गेल जदी एठी तीनटा फैक्टर खन त ला कम तीन खन गेल एठी जतरा फैक्टर थिबो हमें ताको सेते खन के गेल त एठी दुटा फैक्टर अछि त एटा को हमें लिखिबा समथिंग प्लस समथिंग दुटा त केमिते लिखिया त स्टेप 1 रे कोन करिया लेट क्वेश्चन अछि हम पखरे केते 3x by x minus 4 into x plus 2 एटा अछि क्वेश्चन आमे त लिखिबा एतिकी इज इक्वल टू a by x minus 4 plus b by x plus 2 आमे दुई खन फ्रैक्शन कर देबे लेफ्ट साइड जहा अछि एटा क्वेश्चन एटा आमे राइट साइड रे हमरा असम्पशन एटा को आमे सिंपलीफाई कर सिंपलीफाई करले कोन होला देखो एठी डिनोमिनेटर रे x minus 4 आउ एठी x plus 2 न्यूमरेटर कते हेला a into x plus 2 plus b into x minus 4 वर्तमान लेफ्ट साइड और राइट साइड लखे करो आरो उभय डिनोमिनेटर सेम अछि एटा कैंसिल कर दिले लेफ्ट साइड रे कते पाइले 3x राइट साइड रे पाइले ax plus bx तनु a plus b into x 2a minus 4b तनु 2a माइनस 4b है ना एटा हम स्टेप 1 रे हम एटा असम्पशन देले दिस इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग पासर पासर हला सेटा ब्रेक करके सिंपलीफाई करले सिंपलीफाई करला परे एति पाए वर्तमान देखो कंपैरिजन कंपैरिजन इक्वेशन रे कोन छै 3x इक्वल टू समथिंग इनटू x आ एटी कांस्टेंट नाही एटी किंतु कांस्टेंट अछि जे कंपेयर करबा ए टर्म टा ए टर्म ने कंपेयर हबो आ ए टर्म टा जीरो सहित कंपेयर सो बाय कंपेयरिंग स्टेप 2 रे बाय comparing it kete a plus b is equal to 3 aur 2a minus 4b is equal to 0 eta equation portan amar kaam hauchi ei dita equation ko solve kariya solve kala me a aur b ro value paiba jo a aur b ro value paiba taku nei gi put karda sei dai parcel kas lai tale solve eta ko kar deba star eta ko kar deba तले सॉल्विंग स्टेप 3 तले सॉल्विंग स्टार एंड डबल स्टार वी गेट कोन पाइले इट इज a + b इट इज 2a माइनस इट इज 4 जदि गुणी देबा तले 4a + 4b इज इक्वल टू 2 एटा हला 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 0 ऐड कर देले 6a इज इक्वल टू 12 सो a इज इक्वल टू 2 यदि a 2 है a + b = 3 सो इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1 सो हमें a और b रो वैल्यू पाइले है ना ताले पार्शियल फ्रैक्शन कते है ना सो नाउ द लास्ट स्टेप स्टेप 4 सो नाउ द पार्शियल फ्रैक्शन इज नाउ द पार्शियल फ्रैक्शन इज कते 3x / x minus 4 into x plus 2 is equal to a by this a by into 2 that is 2 by x minus 4 plus b hala 1 by x plus 2 tale amar tarka cha integration so now integration 3x by x minus 4 into x plus 2 dx is equal to eta tale integration bartan ami by partial fraction eita em break hi jaichi तो ये टाइम तो ब्रेक की जाएगी। हमारे डाक्टर ने जो इंटीग्रेशन 2 by x minus 4 dx गोटे पार्ट, 1 by x plus 2 dx आउट पार्ट। ये इंटीग्रेशन ना बताने दीजिए पार्ट के लिए। ये 2 टा कांस्टेंट बाहर कैसे ला? 1 by x minus 4 dx गोटे, 1 by x plus 2 dx गोटे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, that is 2 ln x minus 4 plus ln x plus 2 plus is the answer. Hello friends, just in its first method of a partial fraction we have explained that how you integrate a function when it is in the fractional form and you use the partial fraction techniques for linear non-repeated factors.
जोटी की लिनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर अछि सेनो केमिति पर्सन प्रश्न करथु जस्ट ए वीडियो में देखिले सेम प्रॉब्लम को हमें आउट टेक्निक करि परिया जोटा की बहुत शॉर्टकट रे सहज रहि परबो शॉर्टकट मेथड फॉर शॉर्टकट मेथड फॉर लिनियर नॉन रिपीटेड केस देखो मोटे साफ को जे सपोज तुमको देला इंटीग्रेशन 2x / x + 1 into x - 3 into x + 2 एमे तीनटा फैक्टर है dx त देखो एतरा में इंटीग्रेशन करबा एटे तीनटा फैक्टर दे छि पूर्व मेथड रे करते पूर्व लेन दियो के शॉर्टकट रे में करिया स्टेप 1 लेट 2x / x + 1 into x minus 3 into x plus 2 is equal to a by x plus 1 b by x minus 3 c by x plus 2 देखो एटि जे तो तळे तीनटा फॅक्टर थिला प्रत्येक फॅक्टर लिनियर r पावर 1 r पावर 1 r पावर मध्ये 1 तर ये तीनटा जग लिनियर आ होल रो पावर काहे नाही इथे r भी नाही r भी होल पावर नाही की आता मीटर लिनियर नॉन रिपीटेड फॅक्टर केस जेतु तीनटा फॅक्टर अछि हम त तीनि खंड करले पासे प्रश्न रे वर्तमान कथा छै एही ए बी सी को हम के बाहर करै हम जे पूर्व मेथड करता त 100 मिसै थांते तापर डिनोमिनेटर कैंसिल कर थांते तापर सॉल्व कर थांते ए बी सी बहुत लेंथी था देखो शॉर्टकट हम डायरेक्ट हम बाहर करिया लख रखो स्टेप 2 रे हम ए बाहर करिया बहुत इंपोर्टेंट देखो हम ए बाहर करू छंती ए तळे के अछि x + 1 ए टोटल क्वेश्चन ता पूरा लिखि दबो किंतु x + 1 ता लिखिबो नै आउतर कोजी जतबे ए बाहर करूचो ए बाहर कला बळे ए तळे जहा अछि सेही जिंसटा को क्वेश्चन रो नेगलेक्ट करै कि आ जहा अछि सब तक लिखि दे अर्थात 2x / x - 3 into x + 2 ठीक अछि लिखला परे इट वुड एंड सीधा गा देलो देई ए जो x हे जी ए x रे केते पकेले ए रो वैल्यू आयो ना ए ए तळे के तज x + 1 तमे x + 1 को 0 नेले छिड़ केते पाइबो x is equal to minus 1 a denominator जे तो x plus 1 अच्छी a टाइप को 0 जे भाभी दाबा x plus 1 को 0 ताल x ला minus 1 और थात a जागा रहे तुम x is equal to minus 1 पूट करो के पहला 2 into minus 1 by minus 1 minus 3 into minus 1 plus 2 that is 2 into minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 minus 4 2 minus 1 1 तो माइनस माइनस कैंसिल 2 4 कैंसिल दैट इज 1 / 2 देखो डायरेक्टली हमको किछ सिंपल बात करना डायरेक्ट हमें क्वेश्चन रो पाई गेले ए केते सेम थी बी बात करना आउ थरे कोची देखो बी तळे केते अछि x - 3 त ए क्वेश्चन रो x - 3 को छाड़ी दियो आउ रेस्ट पूरा सब लिखिने x + 1 into x + 2 देले हम वर्टिकल कर देले देखि बी तळे के अछि x + 3 हमन वाल यदि x + 3 रे 0 हैला तले x के थे 3 सो x = 3 पुट कर दे एटी 3 पुट कर दे 6 3 + 1 4 3 + 2 5 दैट इज 6 / 20 दूरी यदि काटबा 2 3 6 10 3 / 10 सेम थी c बात करिया c के थे c तले के x + 2 ए क्वेश्चन x + 2 को भूल जा 2x / x plus 1 into x minus 3 कितने पुट करेगा x is equal to minus 2 minus 2 पुट कर 2 into minus 2 हला minus 4 minus 2 plus 1 हला minus 1 minus 2 minus 3 हला minus 5 minus 5 into minus 1 हला plus 5 minus 4 by 5 directly हमें ये टेक्निक रहे a b c directly भागे तो मन में का ए मेथड टी केवल ए केस 1 लीनियर नॉन रिपीटेड केस पई सुटेबल अन्य मेथड बले आउ तीनटा केस अछि से केस रे एटा अप्लाई करले हमको सुविधा होबो नै किंतु मेजॉरिटी केस एटा म तो एथे सिखे हो चाहू छी हमर एमकेटी एजुकेशन पर्पस हो छी तुमे मैथ रे टेक्निक सिखे से तो परीक्षा बते भल करे दरकार जनरली परीक्षा रे ए टाइप रो क्वेश्चन पड़े ए टाइप रो क्वेश्चन पड़ेले तुमे शॉर्टकट रे एटा कर देबो बहुत टाइम सेव होबो किंतु मार्क बते भल पेबो
देखो एति के आसेला परे वर्तमान में पर्सनल फ्रैक्शन प्रॉब्लम हो जीवन तला हमरा क्वेश्चन ना कते हेला 2x एति की त वर्तमान हमरा इंटीग्रेशन हेला एटा तला क्वेश्चन एटा हमरा इंटीग्रेशन कते हे जीवो इंटीग्रेशन a बाय दिस a कते पाइ छथि a पाइ छथि 1/2 सो 1/2 a तले की अछि एक्सप्रेशन dx प्लस b by this b के तो पहले 3/10 so 3/10 by x minus 3 dx plus c के तो पहले चंदी -4/5 by x plus 2 dx ठीक है क्वेश्चन बताओ हमें पर्सनल फंक्शन कर दिले पर्सनल फंक्शन पर हमें जो a b c कितने टाइम वैल्यू पाई गेले पता नहीं क्वेश्चन का बताओ पर्सनल फंक्शन वगैरह लिखा है गला तापर इंटीग्रेशन कर दो इंटीग्रेशन रेट एटा कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर पड़े असला इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx + 3/10 मध्ये कांस्टेंट बाहर का सीएल 1/x - 3 dx -4/5 मध्ये कांस्टेंट 1/x + 2 dx तो क्वेश्चन में कितने सवाल है गलत प्रथम 1/x + 1 डायरेक्ट फार्मूला दैट इज हाफ ln x + 1 + 3/10 ln x minus 3 minus 4/5 ln x plus 2 plus 3 is the answer. तो ना ये टेक्निक तो मान लो कम आउटर में तो कोई चीज़ ये टेक्निक तो हमें पासर पासर करिए को सहज हो बो एवं कितने बार अप्लाई करिए ना जितने बार केस टाइप का लीनियर और नॉन रिपीटेड ही थी अन्य जगह ले अप्लाई करिए ना कि तो ये मेथड टाइप ये पर्टिकुलर टाइप वन प्रॉब्लम टाइप बहुत सहज है शॉर्टकट है